आपकी महिलाएं हैं उनका बेटा बेटा नहीं है। जब आलोक स्टील अपना बेटा के नाम से आलोक स्टील नाम रखा है तो इसका इनका बेटा जो था वो बेटा नहीं था, उनका बेटा बेटा है, मतलब राजा है वो। नमस्कार, मैं हूँ शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नव निर्माण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कर्मा में आए हुए हैं, टाइगर जयराम महतो का सभा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार 2 साल से झारखंड में जो आंदोलन हो रहे हैं उसका प्रभाव कितना है, जगह जगह पर हम लोग लगातार जा रहे हैं, अलग अलग जिला जा रहे हैं, अलग अलग प्रखंड जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हजारों हजार के लोग हैं संख्या में आते हैं और जागते भी हैं। आपने सुना होगा पूजा मातो बेबी मातो दो शेरनियां, मगर आज दो शेरनियां नहीं है, वो दो शेरनियों के वजह से कितनी शेरनियां झारखंड में आ गए मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा और आप लोग देखेंगे ये जितने भी हैं झारखंड की शेरनियां ही हैं करेंगे। तो सबसे पहले जोहार नमस्कार हमारे चैनल में। जोहार। आज यहाँ आपके जो आपका जो गांव है वही गांव में ही आज टाइगर जयराम महतो का सभा है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे टाइगर भैया आ रहे हैं और टाइगर भैया को सुनने के लिए यहाँ पे बहुत जगह से लोग आ रहे हैं। यहाँ समस्या है, बूढ़ा खाप की समस्या है, बहुत समस्या है। जैसे रोंगटा फैक्ट्री है, सीसीएल है, रोंगटा फैक्ट्री में एक बच्चा का देहांत हो गया, उसको कोई मतलब देख नहीं रहा है। तो हम लोग जो टाइगर भैया है वो हसारा आंदोलन में जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग पद यात्रा किए थे राजभवन बूढ़ा खाप से रांची पैदल गए थे। उस टाइम भी जो हम लोग जयराम भैया है वो हम लोग के साथ में गए थे वहाँ पर भी। आप लोग यहाँ से पैदल गए थे राजभवन, सरकार के खिलाफ गए थे, रोंगटा के खिलाफ गए थे। लगातार आज यहाँ सभा हो रहा है, लोग जागते जा रहे हैं। जब भी झारखंड के अलग अलग स्थानों में सभा हो रहा है तो लोग जागते चले जा रहे हैं। क्या कहिएगा उन लोगों को जो अभी भी सोए हुए हैं, झारखंड के समस्याओं को अनदेखी कर रहे हैं? विधायक मंत्री सब अपना पैसा जमीन जायदाद आगे बढ़ा रहे हैं और जो यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को नहीं देखा जा रहा है। यही कहेंगे कि जो नहीं देख रहा है उसका आंख में पट्टी बंधा हुआ है, क्योंकि जब यहाँ रोंगटा फैक्ट्री खुलने वाला था तो उस टाइम रोंगटा फैक्ट्री वाला बोला था गांव वालों को कि सुत्ता फैक्ट्री खोलेंगे, सुत्ता फैक्ट्री। लेकिन जब यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उनका सुविधा है, कोयला का है, पानी का है, सब कुछ का है, तो वो सोचा क्यों ना यहाँ पे हम फैक्ट्री खोल दे। यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन के चलते बच्चा का देहांत हो गया, बहुत सारे बच्चे अभी पीड़ित है, कैंसर है, दमा है और अभी हॉस्पिटल में भी भर्ती है, तो ये सब लोगों को नहीं दिखता है, बस वोट देना जानते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अब की बार जयराम की सरकार, क्योंकि जयराम भैया हम लोग की सुनते हैं, हम लोग का बात समझते हैं, क्योंकि वो हम लोग जैसा भी जूझ रहे हैं, जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं वो गुजर चुके हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया बस ये आंदोलन पर ही। क्या लग रहा है 2024 में? 2024 में बदलाव चाहिए, बदलाव बहुत कर लिए, बहुत हम लोग गुलाम बन चुके हैं और बहुत गुलामी कर लिए हैं। क्या लग रहा है कि अब ये जो जनता है वो पूरी तरह से जाग गई है, अब झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे? झंडा ढोने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, जो करेगा उसको तो। यहाँ पे उनकी बहन भी है, वो भी लगातार सभा में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे जयराम भैया जो है हमको समझते हैं और जरूर 2024 में हमारे जो है हमारे जितना भी कार्य है वो करेंगे और हमारे समझते हैं। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, अंदर में कहीं ना कहीं गुस्सा है, बूढ़ा खाप में समस्या है, रोंगटा में समस्या है, क्या कहिएगा उसके विषय में? उसके विषय में यही कहेंगे वो रोंगटा वाला है उसको यहाँ से एकदम निकाले, और वो भी एक ना एक बिहारी है और यहाँ का जो डस्ट है उसको कुछ नहीं लगता है, ऐसा क्यों? यहाँ पे प्रीति जी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करें कितना गुस्सा है रोंगटा के व्यक्ति में। बहुत गुस्सा है क्योंकि एक बच्चा मरता है, बच्चा मरने से क्या दर्द होता है वो एक माँ ही समझ सकती है, कौन समझ सकता है, एक माँ ही ना। और हम लोग यहाँ झेल रहे हैं, मतलब लोग है। जो बूढ़ा खाप की महिलाएं हैं उनका बेटा बेटा नहीं है। जब आलोक स्टील अपना बेटा के नाम से आलोक स्टील नाम रखा है तो इसका इनका बेटा जो था वो बेटा नहीं था, उनका बेटा बेटा है, मतलब राजा है वो। तो क्या कहिएगा, क्या कहेंगे, रोंगटा को बंद किया जाए बस यही बोल सकते हैं, और जो है आलोक स्टील को उठा कर फेंक दिया जाए सीधे।